लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, हैं तो बड़े छोटे छोटे स्मार्ट से क्वेश्चन, लेकिन इनमें जो रेशियोस की कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह लें, या एक हमें थोड़ा सा IQ लेवल हमारा चेक होता है वहाँ, तो देखिएगा इनको। क्वेश्चन 10 में आपको पहले करा रहा हूँ। द रॉस विलियम्स कंपनी हैज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ऑफ 36%, ब्रेक इवन सेल्स आर 1,60,000, द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 28,800 ड्यूरिंग द ईयर, रिक्वायर्ड क्या है जी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो है यहाँ पे कौन सा यूज होगा, देखिए हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ब्रेक इवन जब सेल्स होती है हमारे पास इन डॉलर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स जो है ये उन्होंने दे दी हुई, दैट इज 160,000। फिक्स्ड कास्ट क्योंकि हमारे पास है नहीं, हमने कैलकुलेट करनी है, इसको एक्स रख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी उन्होंने हमें दे दी हुई 0.3636% है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि फिक्स्ड कास्ट के बराबर है। जरा कैलकुलेट करें इसको, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाता है जी 57,600। क्लियर होगी ये बात कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, क्लियर है जी ये? अच्छा जी, पॉइंट पॉइंट टू, सेल्स फॉर द ईयर। अच्छा जी, सेल्स फॉर द ईयर के लिए अब आप ये देखिए कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको। ये एक मैं रफ के तौर पर बना रहा हूं इनकम स्टेटमेंट, सेल्स हम लिखते हैं रुपीन में, ये हमने अभी फाइंड करना है नहीं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक जरा देखिएगा क्योंकि ये पहले बताना जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास वेरिएबल कास्ट भी नहीं है, यानी ये उसको मैं चले वाई लिख लेता हूँ, ये है नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, ये भी हमारे पास अपेरेंटली जो है अमाउंट वाइज गिवन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कौन सी, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट है क्योंकि गिवन भी है। अब देखिए प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, 28,800, और फिक्स्ड कास्ट हमने अभी फाइंड की है, ये क्या है 57,600। तो अब ये हमारे पास एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये नहीं सारे मिसिंग फिगर्स, लेकिन हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर के थ्रू, ये जो माइनस हो रही है फिक्स्ड कास्ट इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये कितना वैल्यू आती है, प्लस करें तो 86,400। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। ओके, आप जरा देखें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 86,400 है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी रेशियो बता देगी है कि ये कितना है, 36%, ये कितना है 36%।
तो 36% ये बेसिकली किस चीज का होता है, सेल्स का होता है, जो भी परसेंटेज है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वो सेल्स की है, रेलिवेंट है। अब हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में इस लिखें कि यानी हमने यहाँ पर क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड किया आपस में, तो तब ही हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। तो यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिख लेता तो हो सकता था आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए पहले मैंने इस तरीके से आपको करा दिया। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो अब ये किस चीज के इक्वल हुआ हुआ है, 36 के। हमें चाहिए 100%, यानी रेशो 1 में चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, यानी 86,400 विच इज 36%, और हमें चाहिए 100%, यानी 1:1 में चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ सेल्स आ जाए। देखिए कितना आता है, 240,000। तो ये हमारे पास सेल्स कैलकुलेट करने का एक वे आउट। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को क्या कहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास ये। सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, ये आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को और प्रॉफिट को प्लस करके आता है, तो ये आपने इसलिए लिखा जी। जी ये देखिए ना, ये आपके सामने ये ब्लू में जो एरो ड्रा किया हुआ है, प्रॉफिट 28,800 है, जब हमने रिवर्स ऑर्डर के थ्रू जो चीज माइनस हो रही थी उसको हमने प्लस कर रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पे आप मैथमेटिकल देखिए ना, वे आउट से 28,000 है, ये यहाँ से माइनस हो रहा था, जब हमने ऊपर रिवर्स ऑर्डर में गए तो इसको प्लस किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है सर। अच्छा जी, थर्ड में हमारे पास हमसे पूछा गया जी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, देख लेते हैं जी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। अच्छा जी, अब ये बड़ा आसान सा है, सेल्स हमारे पास मौजूद है, अभी कैलकुलेट किए, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से, तो हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब सेल्स हमारे पास कितना है, 240,000, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, देखिए उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे दी है, तो इसका मतलब है अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है तो डिफरेंस क्या होगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस की रेशियो हो जाएगा। लाइक अगर आप इसी चीज़ को देखें यहाँ पे, कि जो सेल्स है हमारी वो होती है 100%, सी ए जो है रेशियो 36 है, तो डिफरेंस इसका क्या होगा, 64%, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेल्स है अगर हमारे पास 100%, उसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है अगर हम निकाल दें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, 64%। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 0.64, ये आपके पास आ जाएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसको कैलकुलेट करें कितना बनता है, ये 153,600। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MS रेशियो से निकाल देता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है, एक्चुअल सेल्स भी कह सकते हैं, बजटेड सेल्स भी कह सकते हैं, जो भी हम इसे यहाँ पे कहें, तो मैं लिख लेता हूँ बजटेड या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय अगेन बजटेड
सेल। ठीक है, यहाँ पर देखें बजटेड सेल्स है हमारे पास 240,000 और ब्रेक इवन सेल्स में क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 डिवाइडेड बाय अगेन 240,000। जरा ये रेशियो कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट हमारा आंसर आ जाता है, 33.33%। ये मार्जिन ऑफ रेशियो सेफ्टी रेशियो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपने कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन ये हमें बताती क्या है बेसिकली, वो ये बताती है कि ये हमारे पास जो परसेंटेज है 33.33%, हमारी अब जो एक्चुअल सेल्स है जो या जिसको हम एक्चुअल सेल्स इस तरह सेंस में कह रहे हैं कि जो बजटेड सेल्स की तरफ हमारी जो टारगेटेड सेल है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल है, अगर वो हमारा अचीव नहीं होता इन केस, तो अगर नहीं भी होता तो कितना कम हो जाए कि हमें लॉस ना हो। तो ये जो रेशियो है 33.33%, यानी हमारी सेल्स इस लेवल तक कम हो जाए तो हमें लॉस नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा कम हुई तो हम लॉस में चले जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो सेल का टारगेट रखा हुआ था 100% का, एक खास अमाउंट थी, तो आप उसमें से कितनी कमी कर सकते हैं, यहाँ तक 33.33 के परसेंटेज तक हम कमी कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा उस सेल्स में कमी की तो फिर हम लॉसेस में चले जाएंगे। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का बेसिकली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशियोज हमने कैलकुलेट कर लिया, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप को सेट किया गया डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो आपने ये देखना है एमसीक्यूज लेवल पे जो होते हैं क्वेश्चन वो फिर इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि अब आप कैलकुलेट करें फौरन से। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। इसमें देखिए आप हमसे क्या पूछा जा रहा है, बजहर तो ये आपको एक दो लाइन से क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कैसे कैसे हम इसमें चलते हैं। तो द लिटिल रॉक कंपनी शोज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 12,150 एंड एमएस रेशियो जो है वो हमारे पास 25% है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वो 30% है, रिक्वायर्ड क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स नंबर वन, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। तो फार्मूला क्या है जी इसका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। सो अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे देखिए 12,150 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी हमें गिवन है, दैट इज 30%, यानी 0.30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, ब्रेक इवन इन डॉलर्स की ये हमारे पास एक लेवल ऑफ सेल आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया तो ये बन जाता है जी 40,500 डॉलर्स, ये ब्रेक इवन सेल्स होगा। चलिए उसके बाद रिक्वायरमेंट टू एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास वो सारा डाटा रेशियो में है या ब्रेक इवन सेल, एक फिगर हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का, वो क्या होता है, यही एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स भी यहाँ यूज हो सकता है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स और अगेन डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। अब हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो गिवन है, दैट इज 25%, यानी ये है 0.25। एक्चुअल सेल्स हमने फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स हमने अभी फाइंड कर 40,500 और ये हमारे पास अगेन एक्स रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 0.25x और ये हो गया x माइनस 40,500। अब ये x माइनस का मतलब ये है कि ये जो x है बेसिकली ये क्या है 1x। अच्छा जी, मैथमेटिकली हम इनको शिफ्टिंग करते हैं इक्वेशंस के थ्रू, तो ये 0.25x ये माइनस 1x जो है अगर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 1x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 40,500। इसमें से डिफरेंस लें तो ये आ जाता है माइनस 0.75x इज इक्वल टू माइनस 40,500। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ तक
उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से यानी 0.75x इधर से भी डिवाइड बाय 0.75 और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 0.75। ये कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास x की वैल्यू है यानी x हमारे पास क्या है बेसिकली एक्चुअल सेल्स है वो आ जाएगा। कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सेल्स आ जाता है वो है $54,000। क्वेश्चन क्लियर हुई है आपको? यस सर क्लियर। जी उसके बाद ये यहाँ से आया, देखो ये हमने लिखा है ना 0.25x, ये है -1x, तो अब 1 में से 0.25 निकाले तो हमारे पास रिमेनिंग होगा 0.75x। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉफिट फॉर द मंथ, प्रॉफिट फॉर द मंथ। अच्छा, एक तो हमारे पास उसका फार्मूला ये है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, लेकिन ये आने आपको सारे चाहिए रिलेशंस के किस तरीके से बन रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब सेल्स हमारे पास 54,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 30% और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 12,150। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आता है जी हमारे पास आंसर 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 ये आ गया जी 4050। अच्छा जी, अब इसमें हम लिख रहे हैं जी आर, दूसरा तरीका क्या है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, वो ये है कि आपके पास होनी चाहिए सेल्स, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें प्रॉफिट रेशियो के साथ तो हमारे पास ये चीज आ जाए। अगेन अब सेल्स तो है हमारे पास, लेकिन जो प्रॉफिट रेशियो है ये क्या चीज होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन रेशियोज को तो प्रॉफिट रेशियो बनता है। अब सेल्स है हमारे पास 54,000 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 30% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज 25%। तब आप इसको सॉल्व करें अगेन तो आपके पास वही सेम आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.075 यानी बेसिकली इसका आंसर 7.5% में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये अगेन आपके पास 4050 आंसर। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात या इसमें कंफ्यूजन? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जी हमारे पास लास्ट मंथ द हैंक कंपनी हैड सेल्स ऑफ 220,000, ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ऑफ 40% एंड एन एमएस रेशियो ऑफ 30%। यानी ये क्या है लास्ट मंथ के बारे में बताया जा रहा है, लास्ट मंथ की सेल्स बताई गई है, लास्ट मंथ की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और लास्ट मंथ की मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ड्यूरिंग द करंट मंथ ए डिक्रीज इन सेल्स प्राइस एंड अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों के इफेक्ट में क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है वो 36% पे आ गई और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या हुई 24% पे आ गई, उनके डिक्रीज होने की वजह से ये चीजें डिक्रीज हो।
रिक्वायर्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ सेल्स डिक्रीज्ड, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, अमाउंट ऑफ सेल्स डिक्रीज। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या चीजें चाहिए देखें कि जो फिगर्स चाहिए दो चाहिए कि करंट मंथ की सेल्स कितना है हमारे पास, करंट मंथ सेल्स कितना है हमारे पास और लास्ट मंथ सेल कितना है। सेल्स कितना है, जब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे ना तभी बता सकेंगे ना कि उसमें डिक्रीज कितना है, उसमें डिक्रीज इन सेल्स कितना है। तो लास्ट मंथ सेल्स हमें गिवन है 220,000। अब ये हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है, वो है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का, इसको वर्किंग कह लें। वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लास्ट मंथ, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास लास्ट मंथ क्या थी। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास लास्ट मंथ जो है वो क्या थी कि हमारे पास जो लास्ट मंथ है उसकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है वो 40% है, तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, 60% है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या इसको उस तरह से कह लें तो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई ज्यादा लंबा काम ना हो जाए। इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 40% देन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 60%, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब पिछले जो है ना लास्ट मंथ की जो सेल्स है वो है 220,000, इसको साथ अगर हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी इन टोटल, ये हमारे पास बन जाते हैं 132,000। ठीक है, इसी को हमने आगे बेस बनाया। अच्छा, अब देखें ये जो हमारे पास 132,000 आया है ये हमारे पास क्या है, 60% उसमें 60% रेशियो जो हमने कैलकुलेट की तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखते हैं कि जो करंट मंथ है उसमें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, रेशियो कितना है, ठीक है। अब 100% सेल्स है उसमें से अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, करंट मंथ में हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है, 36%, ये 36%, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 64%। यानी ये चीज क्या है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो अब हम इसी को बेस बना के ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 64% है, अब जरा देखें यहाँ पे, इफ 132,000 है हमारे पास, ये हम रखें इसको इक्वल टू 64% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो यही है, हमारे पास 100% सेल्स रेशियो कितना आ जाएगी, सेल्स की अमाउंट। यानी हम ये रखें 132,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में है, ये तो हमारे पास वन, यानी रेशो में वन लिखा है, अदरवाइज 100% है, हमारे पास सेल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जो 0.64 है ये करंट मंथ की वेरिएबल कॉस्ट रेशो, देखें ये कितना आ जाता है जी हमारे पास, 206,250, ये हमारे पास है न्यू लेवल ऑफ सेल्स 206,250।
250. तो अब आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं कि डिक्रीज इन सेल्स कितना हुआ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 13,750 डॉलर से क्या हुई सेल, यहाँ पे डिक्रीज हुई। तो ये थी रिक्वायरमेंट वन। उसके बाद है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें अगेन हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो वाला के एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा माइनस ब्रेक इवन सेल्स और डिवाइडेड बाय अगेन एक्चुअल सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट यानी करंट मंथ का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो वो हमारे पास कितना है जी, ये देखिए 24%, यानी ये है जी हमारे पास 0.24। अब एक्चुअल सेल्स जो है ये हमारे पास गिवन है, अभी हमने ये फाइंड की है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हमें फाइंड करना है वो नहीं गिवन। तो 206,250, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो वैल्यू है 49,500, ये हमारे पास हो जाएगा अगेन 206,250 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अगर हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करें, ये माइनस एक्स इधर ले आएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 206,250 माइनस 49,500। रिप्लेस किया वैल्यूज को, प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में। अच्छा जी एक्स जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 156,750, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब ये जो था ओके क्लियर तो है, लेकिन ये जो था हमारे पास एक जो जिसे हम रूट कह लें, एक शॉर्टेस्ट रूट नहीं था बल्कि एक लॉन्ग वे था। इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है वो देखिए, इस चीज को अब आप जरा देखने में एक पहले बना रहा हूं। अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ अपनी टारगेटेड सेल्स, ये जरा देखिएगा, यानी 100% मेरा लेवल ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये कितना है 206,250। अच्छा अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मेरी ब्रेक इवन सेल्स होती है, एग्जम्पशन के तौर पर एक पॉइंट रखा हूँ ब्रेक इवन सेल्स। चलिए मैं इसमें सिर्फ ब्रेक इवन लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ब्रेक इवन। अच्छा अब ये जो है हमारे पास बीच का जो एरिया है इसको अगर मैं थोड़ा सा शेडेड कर दूँ, ये वाला, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये रेशियो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है, तो ये जो करंट मंथ की है वो कितना है देखो 24%, ये है जी हमारे पास 24%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर अपने इस सेल्स के जो जो ब्रेक इवन है, इसका मतलब है अगर ये 100% है, ये 24% है, तो ये कितना परसेंटेज होना चाहिए 100 में से 24 को माइनस कर दें,
76% ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए इसका। अब जरा ये गौर से समझ लेना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हमारा गिवन है 24%, ये लेवल 100% पे होता है, तो बाकी इसका मतलब है हमारे पास क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या होगा, ब्रेक सेल्स। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली जो सेल्स है 206,250 इसका अगर 0.76 ले लेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी 1,56,750। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये टेक्निक्स चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा तो तब ये समझाने में मुझे टाइम लगा है क्योंकि आपको समझाना था, करने में आप देखेंगे एक मिनट भी नहीं लगता। इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस पॉइंट पे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, इसका जरा एक बार फिर जरा कॉन्सेप्ट जरा बता दें कि ये क्या चीज होती है। ये चीज है, देखो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि आप आपके पास ये सेल्स कितना है अभी 206,250 है ना, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी बजटेड सेल्स है, आपका टारगेट है। अब आप सपोज टारगेट नहीं होता तो आपकी सेल्स क्या यानी टारगेट से कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो ये अगर ये 24% से ज्यादा कम हुई तो फिर आप लॉसेस में चले जाए, ये बता रहे, ये नहीं एक कवरेज है, आपको एक इंडिकेशन है कि आपकी सेल्स। अच्छा जी, ये हमारे पास अब रिक्वायरमेंट 2 सॉल्व हो गई, इसका जो लॉन्ग रूट है वो भी आपने देख लिया और शॉर्टेस्ट वे जो है वो भी आपने देख लिया। शॉर्टेस्ट वे में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास यानी जो सेल्स है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेल्स को मल्टीप्लाई कर दें इससे 100% माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, तब आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन डॉलर सेल्स आ सकते हैं। ये आपके पास ब्रेक इवन सेल्स का एक वे आउट है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट मंथ। प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट मंथ, अच्छा जी, प्रॉफिट जो है हमारे पास उसका तरीकेकार क्या है कि अगर हमारे पास इसको हम यहां लिख लें प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशियो। अब सेल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गई हुई है 206,250, जो प्रॉफिट रेशियो है उसका तरीका कार कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, तो ये 206,250 कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो करंट मंथ की वो है हमारे पास 36% में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है वो 24%। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 17,820। तो ये करंट मंथ का क्या है, प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है जी, इसमें है कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ये, होनी तो नहीं चाहिए, हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने देखना है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा अब देखो डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, हमें दोनों टाइम पीरियड की फिक्स कॉस्ट चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए,
करंट मंथ की फिक्स कॉस्ट क्या है, करंट मंथ्स फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा अगेन लास्ट मंथ फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों फिगर्स हमें चाहिए। तब हम क्या है, इसमें जो चेंज है बेसिकली डिक्रीज ही है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ डिक्रीज फाइंड करें, डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखें, मैं इनकम स्टेटमेंट का स्केच थोड़ा सा बना रहा हूँ लास्ट मंथ का। इनकम स्टेटमेंट तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, सेल्स इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा या इनकम आ जाएगी, जो भी हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, अब जरा आप और से देखें, सेल्स जो है लास्ट मंथ की वो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 220,000। वेरिएबल कास्ट रेशो, अब आप ये जरा गौर से देखते जाए, लास्ट मंथ की हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितना है, 40%, तो वेरिएबल कास्ट रेशो कितना होगी, 60%। ठीक है, तो वेरिएबल कास्ट रेशो जो है ये हमारे पास 60% है। अब ये अंडरस्टूड है, इतना अब आपको समझ हो जाना चाहिए कि भाई किस तरीके से इनका रिलेशन, अगर आप 60% जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 1,32,000, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वो हमारे पास आ जाता है 88,000। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, गिवन नहीं है, तो हमें दूसरा इसमें ऑप्शन क्या चाहिए, प्रॉफिट का फिगर मिल जाए तो फिर हम डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉफिट का फिगर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लास्ट मंथ की सारी बात हो रही है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशियो, पिछले मंथ की यानी लास्ट मंथ की जो सेल्स है वो है 220,000 और जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्योंकि हम जानते हैं वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ये इसका फार्मूला है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है लास्ट मंथ की वो कितना है हमारे पास, 40%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, 30%, 40 and 30, 0.40 and 0.30। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट जो आ जाता है वो कितना है जी, वेट कर लो सेकंड, टू सिक्स फोर डबल जीरो। देखिए ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2,640,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 88,000 था तो प्रॉफिट 26 पे कैसे आ गया कि डिफरेंस यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है जो माइनस हुई है, तो वो कितना है जी फिक्स्ड कॉस्ट, देखें डिफरेंस अगर आप इसका लें तो 61,600 ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, अब ये एक तरीका तो ये है, अब देखें हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लास्ट मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट कितना है जी हमारे पास 61,600। इसी सेम पैटर्न पे आप करंट मंथ की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे क्या कर सकते हैं, करंट मंथ का भी, या आप करंट मंथ की इनकम स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, सेम पैटर्न पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन फिगर आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको दूसरा तरीका आप बताने लगा हूँ कि आर क्या है इनमें और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये जरा देखना होगा कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है। हमारे पास 40% जी, अब जरा चेक करें,
57,750। एक चीज और, फिर इसमें रेशो जब हमने ठीक लिखी है, साइन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। 2% को मल्टीप्लाई करना है 12% से और फिर सेल से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास जी। तो यहाँ पर अब देखें 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिफरेंस क्या आता है आपके पास 0.28 आ जाएगा ना, यानी 28%। सॉल्व करें इसको 61,600। देख लें आपके सामने वो चीज। अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, देखें जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारा लॉन्गेस्ट रूट था वो क्या था कि हमने सेल्स को लिखा, उसमें से वेरिएबल कास्ट को माइनस किया जो कि 60% थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। प्रॉफिट को कैलकुलेट किया 26,400 और फिर इनकम में जब डिफरेंस लिया तो वो हमारे पास फिक्स्ड कास्ट आ गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसका जो शॉर्टेस्ट रूट है वो हम उस पर बात करते हैं। तो उसका जो शॉर्टेस्ट रूट था वो क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है वो है 40%। लास्ट मंथ की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है 40%। और प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमने इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट कर ली भी हुई है पहले से, अदरवाइज हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट रेशियो तो ये आती है 12%। अब देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और इसमें से प्रॉफिट रेशियो अगर हम माइनस कर देते हैं इन दोनों में से, तो डिफरेंस जो है ये 28% कह लें एक तरह से, ये हमारा क्या बन जाता है फिक्स्ड कास्ट रेशियो एरिया जो है। ठीक है, फिक्स्ड कास्ट रेशियो। अब हमने क्या किया देखें, 2,20,000 जो सेल्स का वॉल्यूम है मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो माइनस प्रॉफिट रेशियो, सॉल्व किया तो हमारे पास डायरेक्टली, यानी ये सारा इस तरह का एक लॉन्ग वे अडॉप्ट करने की बजाय हमारे पास डायरेक्टली ये एक वे आउट है कि हम इसे सॉल्व करके फिक्स्ड कास्ट को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरीके से अब अगर हम देखना चाहें करंट मंथ की फिक्स्ड कास्ट कितना है, ठीक है, करंट मंथ फिक्स्ड कास्ट अब डायरेक्टली हम यही कर रहे हैं, उसकी जो सेल्स है 2,06,250 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब उसका कितना है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो करंट मंथ है, देखिए यहाँ पे वो है 36% और एमएस रेशियो जो है वो 24%। देखिए यहाँ पे तो ये है जी हमारे पास 36%, यानी मैं लिख रहा हूँ ये 0.36। ये मैंने क्या लिखा, मैं ऊपर इसका कैप्शन कर देता हूँ, ये मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, माइनस करना है मैंने प्रॉफिट रेशियो, माइनस क्या करना है प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो से। देखिए ऊपर मैंने फार्मूला भी लिख दिया, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अगेन 0.36 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है 0.24, यानी 24%। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए 0.36 माइनस या मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आता है 0.0864।
0.0864 जस्ट सीएम और एमएस का रेशियो जी 0.0864 देखें यहां से ये माइनस करें 0.36 है ये वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करें सेल्स के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट तो ये है जी हमारे पास करंट मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट देखो हम डायरेक्टली लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ रिलेशनशिप आपको ये समझ आना चाहिए जो हमने ये यहाँ पे किया किस तरीके से हमने ये इसको वर्कआउट करना है ये है जी 56,430 अगेन देखें फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या है करंट मंथ में कम हो गई है एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ कितना कम हुई है डिफरेंस ले लेते हैं 5170 ये आपका क्या बन जाता है जी आंसर बन जाता है इस तरह से हमने क्या क्या ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो सॉल्व कर ली 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझाने में हमें टाइम लगता है लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हो तो कोई इतना ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगता अच्छा जी ये हमने कर लिया अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम देख लेते हैं जिसमें क्या हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग द ईयर कैस कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 100,000 यूनिट्स द यूनिट सेल प्राइस इज 100 एंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट फॉर दिस डेटा इज दैट अच्छा सबसे पहले क्या है जी ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट हमने बनाने यूजिंग डायरेक्ट कास्टिंग मेथड अच्छा ये मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ गवर्नमेंट वन को ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट कास्टिंग सबसे पहले सेल्स लिखेंगे अच्छा जी उसके बाद सेल्स में हमारे पास जो है वो डाटा कौन सा है कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं जी 100,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं और उनकी जो सेल प्राइस है वो $100 है सेल्स 100,000 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय डॉलर 100 तो ये हमारे पास टोटल जो वैल्यू बन जाएगी 70 है तो ये बन जाएगा जी $10 million सेल्स है लेस वेरिएबल कॉस्ट तो अगेन 100,000 यूनिट्स हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है 25 है ये हो जाएगा 2500,000 माइनस करेंगे ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7500,000 उसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो ये भी उन्होंने बताई हुई है पर यूनिट एक्चुअल भी वही है और बजट भी वही है 100,000 यूनिट्स और $50 जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है ये 5 million हो जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा दैट इज 2500,000 तो ये बनाने में आसान है इतना मुश्किल नहीं है हमने सॉल्व भी कर लिया ये आपकी रिक्वायरमेंट 1 हो गई रिक्वायरमेंट 2 में क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स तो फार्मूला क्या है उसका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है जी हमारी वो 5 million है हमारे पास ये डाटा मौजूद है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 minus वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तो हमारे पास क्या आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो सॉरी तो हम इसको डायरेक्टली करो देखो 1 minus वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है ये वेरिएबल कॉस्ट को अगर सेल्स पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है 2500,000 डिवाइडेड बाय 10 million ठीक है तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अदरवाइज अगर आप इस नंबर ऑफ जीरो से बचना चाहते हैं तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या फिर पर यूनिट आप कैलकुलेट करें फिर से कंट्रीब्यूशन मार्जिन
और उसकी रेशियो को चेक कर ले, ठीक है, तो तब भी आंसर यानी एक ही आना है। ये सॉल्व करें, ये कितना आंसर आता है, जीरो चेक करें। ये बन रहा है 6,666,667। रेपिटेटिव डिजिट्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसका ख्याल कीजिए, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है जी ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। उसके बाद थर्ड पे है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एट अ गिवन सेल्स लेवल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, तो उसका तरीका यही है कि जो हमारी एक्चुअल सेल्स है, पहले भी हम अभी देख चुके हैं, उसमें से ब्रेक इवन सेल्स और डिवाइडेड बाय अगेन एक्चुअल सेल्स, तो हमारे रेशियो यानी परसेंटेज में भी ये हो सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी 10 मिलियन एक्चुअल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स है जी ये हमारे पास, डिवाइडेड बाय अगेन 10 मिलियन। जब हम इसे रेशियो टर्म में बात करते हैं तो ये आंसर आता है 0.3333 एक्स्ट्रा, तो यानी ये किस चीज के इक्वल हो गया बेसिकली 33.33%। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। ये क्वेश्चन आपका 8 हो गया। अब 9 पे आते हैं, तो रिंगो रिंग कंपनी हैज बजटेड सेल्स ऑफ 200,000, प्रॉफिट इज 60,000 एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर 40,000। तो अब इसको हमने कैलकुलेट करना है जी, क्या सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। अब डाटा हमें जरा डिफरेंट वे में दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि ये रफ एरिया में लॉन्ग वे आपको बता रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट अब क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, सेल्स कितना है आपके पास 200,000 लेस वेरिएबल कास्ट, तो वेरिएबल कास्ट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, ये यानी मिसिंग है, तो आंसर क्या आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो भी नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कास्ट, तो फिक्स्ड कास्ट एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये गिवन है हमारे पास विच आर 40,000, ये माइनस होने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाना है, प्रॉफिट आ जाना है, तो प्रॉफिट है हमारे पास 60,000। अब अगेन वही जो रिवर्स ऑर्डर में हम बात करते हैं, तो ये माइनस हो रहा है, तो अगर हम रिवर्स चाहेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100,000। अब देखें 2,00,000 सेल्स है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1,00,000 है, तो वेरिएबल कास्ट भी कितना होगी 1,00,000 होगी, यानी दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है, तो वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये क्या आ जाएगा देखें 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 और 100, तो ये 50%, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वे क्या था इसको सॉल्व करने का, कि अगर आप फिक्स्ड कास्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें, देखें फिक्स्ड कास्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें, तो ये किस चीज के इक्वल हो जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, तो फिर आप अल्टीमेटली रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, यानी 60,000 प्लस 40,000 ये बन गया 1,00,000, वही अगेन रेशियो है, तो रेशियो के लिए आपने क्या करना है, 1,00,000